हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं देहरादून के बुद्धा टेंपल। हाँ, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं देहरादून के बुद्धा टेंपल कैसा लगता है। गर्मी की छुट्टियां हो और आप बुद्धा देहरादून के टेंपल बुद्धा ना टेंपल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो देखिए हम लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं और ये पीछे देवांश सो रहा था, अब ये उठ गया, अब ये ये देखो, शूज लगाएगा ये शूज लगाएगा और फिर हम आपको दिखाते हैं, तो ठीक है। हम आपको कराते हैं बुद्ध जी के दर्शन और आप और भी करिए। बहुत बहुत बड़ा है यहाँ का ना, जो देहरादून का बुद्धा टेम्पल है वो काफी बड़ा है और सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में होता है बुद्धा टेम्पल ना। तो हम इसका ओल्ड भी दिखाएंगे, जो ओल्ड पार्ट था बुद्ध टेम्पल हाँ का और न्यू पार्ट है जो बुद्ध टेम्पल का, हाँ दोनों का हम दर्शन कराएंगे आपको। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल पे। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं बुद्ध टेम्पल। ये है बुद्ध टेम्पल का गेट। गेट तो आप यहाँ से अंदर होते हुए आप देख सकते हैं बुद्ध जी के दर्शन सामने। आज खुला नहीं होगा पर अंदर ना, ये संडे को खुलता है, मैक्सिमम संडे को खुलता है। नहीं, खुला है, खुला है अंदर। खुला है। ये देखिए फ्रंट कितना प्यारा, कितना सुंदर दिख रहा है। वो आओ आपको शॉप्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। कोई कोई बंद भी है आज ना शॉप। क्या खा रहे हो आप? मैंने फन पफ्स लिए। फन पफ्स आपको बताना होगा। और कौन सा फ्लेवर है, कौन सा फ्लेवर है उसमें? पड़ा नहीं है। हाँ, तभी तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है। ये देखिए शॉप्स वगैरह में आपको आइटम्स मिल जाएंगे, सारी तिब्बतन आइटम्स हैं। डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं और किचन के आइटम्स भी हैं, टॉयज भी हैं। कब बनाई है? कल बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण अभी म्यूजिक बज रहा है, आप देख सकते हैं। एक मधुर गीत, एक मधुर धुन, बुद्धिस्ट का। नहीं, ये कब बना था? ये पहले तो नहीं था ना? हाँ, आई थिंक 2015, नहीं 14-15 में बना है शायद ये। काफी विशाल, बहुत ही बड़ा। हाँ, और बहुत प्यारा, और बीच बीच में ऐसे भी बने। ये लॉन टाइप है, पहले यहाँ पर घूमने दिए। हाँ, बैठने देते थे पर अभी बंद कर दिया इन्होंने। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी जो नया स्टैचू बना था उसके आगे। तो आप देख सकते हैं काफी विशाल स्टैचू आपके सामने, आपको दिखाते, थोड़ा दर्शन कराते हैं।
ये देखिए काफ़ी अच्छा स्टैचू है। तो अभी जो ये गेट है वो बंद है। तो ये बिल्कुल क्रेमटाउन के जो ये जंगल है, इसके पीछे जंगल है, जंगल के पास है, तो यहाँ काफ़ी शांति रहती है और एक दिल को सुकून मिलता है यहाँ कर। तो आप भी कभी देहरादून विजिट करें तो आप भी आए। अच्छा, विश्व गुरु परम पवन 14वें दलाई लामा जी के शुभ नाम पर हिमाचल राज्य में 24 अप्रैल में आवागमन के प्रयोग हेतु वाहन संख्या की पंजीकरण हुआ था। अच्छा, ये दलाई लामा का वो है कार है ना, विंटेज हो गया है। तो दलाई लामा जी का कार है, विंटेज कार में इसके तौर पे से रखा गया है यहाँ पर। मस्त है, आजकल कहाँ मिलता है ऐसे कार। दलाई लामा जी की फोटो भी है अंदर, फोटो दिखाइए। अच्छा, इसमें शीशे में दिख नहीं रहा यार। पापा अंदर चले जाओ, आपका कार है। अंदर है, फोटो पर दिख नहीं रही। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब क्राउड भी है पर अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं अभी ओल्ड बुद्ध टेंपल, देख सकते हैं आप। ये है ओल्ड टेंपल। गाइस, ये देहरादून का पुराना बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जो सबसे पहले जो बुद्धा टेंपल के नाम पर थी, जो अभी हमने आपको इससे पहले घुमाया वो है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।